मानदेय बढ़ोतरी सहित अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोईया महासंघ ने शनिवार को बेतियाहाता स्थित बजाज पार्क में सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शिरकत किया। रसोईया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ गौतम ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को अपनी 5 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोईया महासंघ के सम्मेलन में आया हूं, इनकी मांगे जायज है, इस संबंध में वे मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। सम्मेलन में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, रसोईया महासंघ की प्रदेश मंत्री संगीता यादव, देवरिया जिला के अध्यक्ष वेदांति देवी, मऊ जिला अध्यक्ष सुनीता राजभर, कुशीनगर, महाराजगंज, आजमगढ़ के पदाधिकारी और रसोईया मौजूद रहे। आप लोग तैयारी करा, अगर 48 घंटे में हम भी समर्थक हैं, पढ़ा के 175 रुपया होना चाहिए, ये व्यवस्था भी लागू होनी चाहिए। यहाँ बोलत हुआ सबन जितना चिल्लाइबे ओके निकाला, नहीं तो समझ ला कि 48 घंटे में अगर गरीब सवर्ण को आरक्षण दिल्ली से लेकर 10 दिन लागू हुआ है तो पिछड़ों और दलितों में भी गरीब है, इनकी भी व्यवस्था कराओ। नहीं तो सोच रहा जाई कि न जाई, बोला ताव से जाई न, दोनों हाथ उठा के नारा लगाया। रसोईया में विद्यालय में जो बच्चन का अनिवार्यता बा रसोईया के लिए व्यवस्था खाता, बोला होई कि ना होई गांव में पर्चा, पूरा गोरखपुर में इस बात का प्रचार कर दो कि तरह हम प्रचार करे थे। बोला आप लोग प्रचार करवा कि ना करवा, करवा ना, हम इनका लोन बच्ची के पास है तो ये माँ बहनों के पास है, किसी पुरुष के पास नहीं है, किसी पुरुष के पास नहीं है। अपन अपन बिल में उठा देता जमा पारी ठीक हो जाए। ये अब 16 दूनी 8 ना होई, अब 16 दूनी 32 होई। बोला होई कोई से कहा था, कोई से कहा मत, जब तक रसोईया का 33 रुपया से बढ़ा के 275 रुपया ना भाई, खाली एक जने से कायदा पूरा गांव प्रचार हो जाए। यह कहे कि देखा खाली तो से कतल कोई से कहा वो है, अब पता लगी पूरा गांव में धीरे धीरे गुनगुना जाई, सब जान जाई। ज्यादा कुछ नहीं क्योंकि मुख्यमंत्री जो मुख्य अतिथि होते हैं उनके बोलने के बाद किसी को अवसर नहीं मिलना चाहिए। मैं बधाई देना चाहता हूं, थोड़ा मैं जब सुना हूं तब आया हूं, और मैं बाहर था और हमें अवसर दिया, मैं इस बात का समर्थन करता हूं।